लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उसका हम कुछ नहीं कर पाए, पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है, वो तो बाहर ही है। ऐसे में मैं इलेक्शन में खड़ा रहूं या नहीं? तुम ही खड़े होगे। जितना रुपया चाहिए ले जाओ, एक भी वोट नहीं छूटना चाहिए, पूरी मुंबई खरीद लो, पर इस बार भी मेयर तुम ही बनोगे, समझ गए ना? उनका ये आलम है और अपने पास पैसे ही नहीं है, अब क्या होगा? 2 दिन बाद इलेक्शन है, हम क्या करेंगे? उनका पैसा कहां से आता है? और कहां, दिल्ली से। कब आएगा? कल सुबह आएगा। किसके पास आएगा? मेयर के भरोसेमंद 10 आदमी हैं, रुपए उनके पास आते हैं, वो लोग बांट देते हैं। इससे पहले कि वो पैसा बांटे, उन पर रेड पड़ेगी, इनकम टैक्स। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। आज शहर में कुछ चोरों ने सत्ता पक्ष के प्रमुख के घर झूठी इनकम टैक्स की रेड मारी। वो अपने आप को आयकर विभाग का अधिकारी बता रहे थे और घर में मौजूद तमाम रुपए लेकर फरार हो गए। काला धन होने की वजह से पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि लूट की रकम 100 करोड़ से 200 करोड़ के बीच हो सकती है। और इसके साथ दैट्स हिम, मैं यकीन से कह सकता हूँ ये उसका ही काम है। ऐसे क्रिमिनल आइडियाज मुंबई में उसके सिवाय कोई नहीं सोच सकता। हमारी किस्मत खराब कि ये धारावी का बहुत बड़ा हीरो है। इसके सपोर्ट से अगर लालू मेयर बन गया तो गॉन, इसे हम कभी नहीं पकड़ पाएंगे। जरा इसका रोक तो देखो। अरे रेड के वक्त फोन क्यों नहीं किया? आखिर कैसे करते साहब, उन्होंने सारे फोन जब्त कर लिए और दरवाजे भी बंद कर दिए। आपके पैसे के साथ साथ हमारे भी पैसे ले गए। फूल्स, रेड करने वाले असली थे कि नकली, पहचान नहीं पाए? कैसे पहचानते सर, उनमें से एक ने गन निकालकर टेबल पर रखा। हमने सोचा कि इनकम टैक्स वालों को भी आजकल गन दिया होगा। खास सोचा। सत्ता पर होते हुए भी अपने पैसों को नहीं बचा पाया, बाकी बची इज्जत भी चली गई। इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठ गया तो सूर्या भाई का नाम मुंबई में जोर जोर से गूंजने लगेगा। उसके बाद हमें मुंबई से हाथ धोना पड़ेगा, उसे रोकना होगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार। जब उसने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की तब तुमने उसे प्यार किया, अब वो सच में तुम्हें प्यार कर रहा है तो तुम मना कर रही हो। वो भी कोई प्यार है? उसका प्यार सच्चा है ये मेरी समझ में आ रहा है, पर तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? ऐसे समझाओ इसे, तुम्हारे जितनी अकल इसमें होती तो मैं क्यों ऐसा होता? इंसानों की जान लेने वाले से कौन प्यार करेगा? किसी की जान की कीमत ऐसे लोग क्या जाने? इंसान और उसकी जान, इनकी कीमत तो मैं नहीं जानता। क्या खा रही हो? फिश, टूना फिश। इस धरती पर 600 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोग हर दिन समंदर की मछलियों को पकड़कर खा जाते हैं। कोई उबालकर, कोई तलकर, कोई सुखाकर, करी बनाकर, फ्राई करके, और तुम टूना फिश खा रही हो। कई करोड़ सालों से करोड़ों मछलियों को तुम लोग गपागप निगल गए, ये बात गलत नहीं है, लेकिन कभी एक मछली ने एक इंसान को खा लिया तो तुम लोग हंगामा मचा देते हो। कभी किसी छोटी सी शाक ने किसी बीच पर किसी को काट भी लिया तो सारी न्यूज चैनल्स पर उसे दिखा दोगे, उस पर जॉज 1, 2, 3 ये फिल्में भी बनाओगे। तुम्हारी जान कीमती है, उसकी जान नहीं। येड़ी कहेंगी, सारा दिन बकवास करती रहती है। मुझे मारने के लिए कितने लोग घूम रहे हैं, कुछ पता भी है तुम्हें? Oh.
अगले जन्म में मैं इंसान नहीं बनना चाहता। इंसान सिर्फ मारता और मरता है। यही मेरा आखिरी जन्म है। फिर नहीं मिलूंगा मैं। मेरा साथ दो। कैसे दूं? ऐसे रोज एक एक को मारते रहोगे तो कैसे साथ दूं? क्यों करते हो ये सब? कभी कभी टेररिस्ट ग्रुप बॉम्ब फोड़ते हैं आइडेंटिटी बताने के लिए। कभी कभी गणपति जी दूध पिया करते हैं ये साबित करने कि वो इस दुनिया में है। अगर वही गणपति जी रोज रोज दूध पीने लगे तो कोई दूध नहीं पिलाएगा। इस जनता को डराना है तो कभी कभी टेररिस्ट बनना पड़ेगा या फिर भगवान। बन जाओ, बेशक बन जाओ, लेकिन मैं तुम जैसे इंसान का साथ नहीं दे सकती। मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम चली गई तो मैं और खतरनाक बन जाऊंगा। बन जाओ, जो बनना है बन जाओ। तुम और तुम्हारे डैड मिलकर मुझे हैवान बना दोगे। ये बिजनेस एक्सपैंड करना है। सूर्य एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का कारोबार मुंबई में है। इसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया होने चाहिए। हर सिटी में, हर टाउन में, हर सेंटर में सूर्य एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का ऑफिस चाहिए। हर ब्रांच में 50 लोगों का स्टाफ चाहिए मुझे। अपना स्टाफ कौन होगा जानते हो? वहां के लोकल गुंडे मवाली। ये सारे गुंडे लोकल पॉलिटिशियंस के इर्द गिर्द मिल जाएंगे। कोई भी इन्हें महीने की तनख्वाह नहीं देता, लेकिन हम इन्हें हर महीने फिक्स सैलरी देंगे। 50 लोग क्यों? जस्ट इमेजिन, जब 50 लोग चलकर आएंगे तो कैसा लगेगा? इमेजिन 50 लोग अगर गन लेकर किसी को भगाएं तो वो नजारा कैसा लगेगा? पूरे शहर को कंट्रोल में करना है तो 50 लोग तो चाहिए ही। सारे छोटे छोटे लफड़ों से लेकर देश के बड़े से बड़े घोटाले तक सबकी सेटलमेंट सिर्फ अपनी ऑफिस में होनी चाहिए। सबको तनख्वाह देने के लिए पैसे कहां से लाओगे? वो सब वो खुद ही कमा लेंगे। किसी भी शहर में बिजनेस करने वाला हर इंसान, सेटलमेंट चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसके मार्जिन से 2% सूर्य एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स को पे करेगा। लाख रुपए कमाने वाले के लिए 2,000 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उन्हें हमारा सपोर्ट मिलेगा। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए हम देख लेंगे। सब लोग अपुन की बात मानेंगे? उनके ना मानने के लिए ये कोई बिजनेस प्रपोजल नहीं है, इट्स एन ऑर्डर। जिसका बिजनेस होता है उसका ऑफिस होता है, उसके ऑफिस में एक टेबल होता है, उसकी टेबल पर अपनी गन रख दो। इंडिया के हर ऑफिस के टेबल पर अपनी गन होनी चाहिए। Guns don't need agreements. मानना ही पड़ेगा। चाहे किसी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिले, कोई भी फंड रिलीज हो, लेकिन हमें 2% मिलना ही चाहिए। सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की तरह इस सूर्या टैक्स की भी लोगों को आदत पड़नी चाहिए। आई वॉन्ट ऑल द गैंगस्टर्स एंड राउडीज अंडर वन रूफ। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उसे हमारे पास ही आना चाहिए। उसकी तमाम मुश्किलें हम हल करेंगे। पब्लिक के साथ प्यार से पेश आओ। इंडिया में सभी 2 नंबर का धंधा करने वाले लोगों के मन में एक ही डर रहना चाहिए। उस डर का नाम है सूर्या भाई। सूर्या भाई, सूर्या भाई का मतलब मैं नहीं, इट्स अ ब्रांड। चल, वो मामूली इंसान नहीं है, देखा जाए तो क्रिमिनल भी नहीं है, बट क्रिमिनल माइंडेड है। वो जुर्म को बड़ी खूबी से ऑर्गेनाइज कर रहा है। दुनिया पर हुकूमत करने के ख्याल से एक ऐसी शख्सियत निकलती है। असल में ये है कौन, कहां से आया है और क्यों कर रहा है ये सब? I bloody want him. हेलो, कहां हो तुम? तुमसे मतलब, मैं टैक्सी के लिए वेट कर रही हूँ। मैंने दी हुई कार नहीं यूज कर रही। वो आयशा के पास है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ? तुमसे फौरन मिलना चाहता हूँ।
तुमसे लड़ना चाहता हूं, इसी वक्त मेरे पास चली आओ। मुझे थोड़ा डांटो मारो और फिर चली जाना। नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही हूं। तुम मेरी पहुंच नहीं जानती, मेरे एक इशारे पर वो टैक्सी वाला ही तुम्हें किडनैप कर लेगा। करवा लो टैक्सी। चलो चलो। कहाँ जाना है मैडम? जू सर्कल। जू? एक्सक्यूज मी। पचास हजार करोड़ के काली धन के साथ मुंबई के पूर्व मेयर अरुण गोखले फरार। अरे अरुण कहाँ है, पहले उसे ढूंढो। अगर वो पुलिस के हाथ लग गया तो मैं और मेरे साथी अंदर हो जाएंगे। वो बड़ा डरपोक है, किससे क्या कह देगा पता नहीं, पल भर में सरकार गिर जाएगी। उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दो। कौन है? Just finish them off. No, no. Try to be strict with them. Hello. Sir, this is Surya. क्या बात है सूर्या भाई? हमें फोन करने की तकलीफ? ऐसे मत पुकारिए सर। आपके सामने मैं क्या चीज़ हूँ? Hey, shut up. नाटक मत करो। अब क्या है? हमारे डिपार्टमेंट से भी 2% लेना चाहते हो क्या? सर, 50,000 करोड़ छोड़कर मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? इस स्कैम में फंसे सारे लोगों को छोड़ दीजिए। अरुण गोखले को आपके हवाले कर दूंगा। अरुण गोखले? उसे हम नहीं पकड़ पाए, तुमने कैसे पकड़ा? बिल में छुपे सांप को सपेरा ही पकड़ सकता है सर। उस सांप को वर्सोवा पुलिस स्टेशन के पास छोड़ रहा हूं। पधारिए साहब, शर्माइए मत, आइए आइए। मॉर्निंग सर। अरुण गोखले पकड़ा गया है सर। दो दिन में सबके नाम बाहर होंगे। हम सबका ऐसा मानना है सर कि लिस्ट में सबसे पहला नाम आपका होगा। आपका क्या कहना है? अरुण गोखले को पकड़वाने वाला सूर्या था। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग सर, वो आपसे इतनी नफरत क्यों करता है? वो कौन है मैं नहीं जानता, अब तक तो मैंने उसे देखा भी नहीं। आप जानते हैं सर, यू नो हिम, ही वॉज बॉर्न इन शिकागो। वो अमेरिकन सिटीजन है, याद नहीं आ रहा? नहीं तो 18 साल पहले आप एक पब्लिक मीटिंग में थे, तब एक 14 साल के लड़के ने आपको छुरा घोंपा था। आप भूल गए? जब उसने देखा कि आप मरे नहीं, उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, उसने आप पर गोली चलाई। ये सूर्या वही है। वो मामूली इंसान नहीं है यार, डोंट मिस हिम। उसके बारे में मैं जानती हूँ, किसी न किसी दिन वो पूरी मुंबई को तुम्हारे कदमों में रख देगा। उसे रिच किड समझकर तुम फिदा हुई थी, और रोड साइड किड समझकर मैंने उसे चाहा था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। नो, ही इज इन लव विद यू। जो रिलेशन उसे खराब मत करो, वो इतना बड़ा आदमी हो गया है कि वो चाहे तो तुम्हें छोड़ भी सकता था। चित्रा, कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना, ऐसे लोग दुनिया में मिलते नहीं है। तुम बहुत लकी हो चित्रा, बिलीव मी। Good evening, ladies and gentlemen. It's a great honor for me to be here today at the opening ceremony of our business bank. Let me first extend my warm welcome to all of you. Thank you so much for being here. अपने देश को आगे ले जाने के लिए, देश की तरक्की के लिए एक नौजवान ने बैंक खोला। मैं तो कहता हूं ऐसे नौजवानों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तभी तो हमारा देश तरक्की करेगा। मैं इसके बुलंद हौसलों को सलाम करता हूं
कभी बैंक रॉबरी करने वाला, अब बैंक खोल रहा है। उस समारोह का चीफ गेस्ट मैं। ये सब ब्लैक मनी छुपाने के लिए हो रहा है ना? बिल्कुल सर, इंडिया के स्विस बैंक जैसा ही है। व्हाइट के साथ साथ ब्लैक भी छिपा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं पैसा कहाँ छिपा है, इसीलिए मैंने ये बैंक खोला है। आज मुंबई पुलिस एसोसिएशन को 50 लाख का चंदा देने वाला है। इस बात का ऐलान करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। फैंटास्टिक, पब्लिक का पैसा लूटकर पुलिस को चंदा दे रहे हैं। आपका या मेरा पैसा नहीं सर, इंडिया में बहुत पैसा है, जितना उठा सकते हैं बस उठाना है सर। भलाई का जमाना नहीं रहा सर, कहते हैं अच्छे आदमी को भगवान जल्दी ऊपर उठाता है। इसे लूटना नहीं कहते, यहाँ जितने बैठे हैं सब चोर हैं। आप ईमानदार ऑफिसर हैं सर, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में आप ही के पीठ पीछे आपको गालियाँ दी जाती हैं। अपनी जो पब्लिक है ना सर, आप जैसे स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को पसंद नहीं करती, उन्हें घूस खाने वाले ही पसंद है। टू बी फ्रैंक सूर्या, तुम्हारी काली करतूत देखता हूं तो गुस्सा जरूर आता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि तुम्हारे जैसा इंसान डिपार्टमेंट में क्यों नहीं है। तुम्हारे अंदर जो चिंगारी है वो किसी में नहीं देखी। बट यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। नो सर, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। मैं नहीं जानता आपने गौर किया है नहीं, पिछले 3 महीनों में इंडिया में मर्डर्स कम हो गए, किडनैपिंग्स भी कम हो गई हैं, ओवरऑल क्राइम रेट नीचे आ गया है सर। यकीन नहीं होता तो रिकॉर्ड्स चेक कीजिए सर। भूख लगने पर ही कोई गुनाह करता है, सारे गुनहगारों को सैलरी देकर पाल रहा हूं सर। वैसे आपके डिपार्टमेंट में भी सैलरी बढ़ानी चाहिए, अभी जो देते हैं कम है। क्या आपकी सैलरी आपके लिए काफी है? देश की सेवा करने वाले पुलिस को उसकी सैलरी काफी नहीं है, जबकि देश को लूटने वाले मुझ जैसों के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। बस थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए सर, हम अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते हैं। बट वन थिंग सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, आई एम इंटरेस्टेड इन पावर।